जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान 2024। जी हाँ साथियों, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत सभी जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब आप सभी को पता है जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है ना, तो सावन का महीना आने वाला है। सावन जैसे ही लग जाएगा तो रिमझिम रिमझिम बरसात शुरू हो जाएगी। अब भी बरसात तो शुरू हो चुकी है लेकिन अभी अच्छी प्रकार से नहीं हुई है। जैसे ही सावन लग जाएगा तो यहां पर पौधे लगाने का कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, तो उसमें श्रमिकों की जरूरत पड़ने वाली है। सारी प्रोसेस हम समझते हैं, आप कैसे उसमें जा सकते हैं, ठीक है। मनरेगा के तहत भी इसमें श्रमिक लगाए जाएंगे और मनरेगा का जो कार्य होगा उसको भी सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी को हम देखते हैं, ताज़ा खबर आई है, इस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस खबर को देख लेते हैं, जो ताज़ा आई है उसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान पर्यावरण मित्र सीधी भर्ती 2024, मनरेगा सीधी भर्ती, पौधे लगाने वालों की भर्ती, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, ये है साथियों। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। आ जाओ अब इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं। ये जो तुम्हारी भर्ती आएगी ना भाई, जो पर्यावरण मित्र आप बोल रहे हो, तो ये अब तो फिलहाल में मनरेगा के तहत निकाली जा रही है पौधे लगाने वालों की भर्ती। तो मनरेगा में देखो, ग्राम पंचायत में भी नरेगा का काम चलता है और नगर पालिका में भी नरेगा का काम चलता है, तो आपको नरेगा में ही लगना पड़ेगा साथियों, ठीक है। सीधी सीधी बात यह है, हमने पहले भी इसकी जानकारी दी थी, जो खबर आई थी उस समय मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि नरेगा वालों को ही यहां पर मौका मिल रहा है। इसलिए अब भी ये जो खबर आई है, शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं मदन जी दिलावर ने कि मनरेगा के तहत यहां पर परमानेंट श्रमिक लगाए जाएंगे। तो देखो, परमानेंट श्रमिक का मतलब यह होता है साथियों कि जब तक वो पौधा पेड़ नहीं बन जाता तब तक आपको वहां पर लगाया जाएगा, काम करते रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। अब बात करते हैं बिना परीक्षा सीधी भर्ती, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा कुछ भी नहीं होती है ना। आप सब जानते हो भाई, नरेगा में कौन परीक्षा, कौन पढ़ा लिखा जाता है, अनपढ़ लोग भी रहते हैं, कोई 10वीं 12वीं रहता है तो वो मेट बन जाता है, वैसे कोई अनपढ़ आदमी है तो वो बड्डा खोद लेता है। पराती गेरनी अपन तो माटी खोदना और बड्डा खोदना साहब, पढ़ाई लिखाई को के करोगा हूं मैं, नरेगा में भी जाकर पढ़ाई लिखाई देखोगा के गांव में लोग काम करते हैं नरेगा में, तो वहां पर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है साहब, ठीक है। अपन तो पौधा में पानी गेरनो, बस देख रेख करनी, बाड़ लगा दो के थोड़ो सो, बकरी बुकरी नहीं खाऊंगी उन तक है, कोई पशु डांडो खा जाए तो वो नुकसान ना आवे, तो उनका जाड़ जूड़ लगानो बढ़िया, तो पौधा में पानी गेरनो या थारो काम लो में के दफ्तर जाओगा कोई है, अकबर पढ़ाई लिखाई चाहे कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। एज 18 से 56 56 साल, 18 से 56 साल, वैसे आप 59 साल भी कर सकते हो काम नरेगा में, अगर 59 साल भी है तो 60 साल से कम होनी चाहिए तो आप नरेगा में लग सकते हो। 60 साल हो गई तो नरेगा में नहीं लग पाओगे, नया नियम जारी हो चुका है, सबको पता है, फिर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, नरेगा में काम नहीं मिलेगा, ठीक है साहब। और ये जो खबर है, ये खबर आप कहाँ पर देख पाओगे, इस खबर को आप देख सकते हैं ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साहब। सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पर आपको प्रूफ मिल जाता है, इसलिए भाई आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बात करें, 200 पौधों की देखरेख के लिए एक मनरेगा कर्मी को लगाया जाएगा। ये साथियों एक मनरेगा का ही श्रमिक होगा जो 200 पौधों के देखरेख करेगा। अब 200 पौधे साहब कम थोड़ी होते हैं, 200 पौधों में पानी डालना है, देखरेख करनी है, पूरे दिन भर 8 घंटे 6-7 घंटे का काम आपको यहीं पर करना है, बस पेड़ पौधों के लिए। बड्डा बुड्डा कौन खोदना था, खाडा खोडा कौन खोदना, कुछ भी फावड़ी कौन बजानी, बस पौधा में पानी डालो। और सब पानी में भी बहुत
थकावट हो जाएगी हमको, तो बाल्टी ले लेकर लगाऊंगा 200 पौधा, बहुत ज़्यादा होते हैं सब 200 पौधा, 20 में तो फिर भी काम चल जाता। कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। हाँ जी, ये चीज़ें हो गई। 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव पर पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि 8 अगस्त जो है आने वाला है साथियों, इसी 8 अगस्त को क्या किया जाएगा, अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें सभी को शामिल किया जाएगा। तुम्हारी रैलियां निकाली जाएंगी ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं के द्वारा, बाजारों में रैलियां प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी जिसमें महिलाएं पुरुष बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी उसमें शामिल होंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है कि अब की बार आप सभी को पता है कितनी भयंकर गर्मी पड़ी थी, तापमान कितना हाई पहुंच गया था, इस वजह से पौधों की जो कमी आ गई है, बरसात भी नहीं हो पाती है पौधों की कमी से, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, बहुत सारे केस ऐसे हैं हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिल पाए थे, इस वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है कि भाई अब पौधे और बढ़ाए जाएं, पौधों को और लगाया जाए ताकि पर्यावरण को भी समृद्ध किया जा सके। बिल्कुल, और वैसे भी पौधे कितने कटते रहते हैं, बहुत सारे, जब हम विकास कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो उसमें जो भी पेड़ बीच में आए होगा भाई वह तो काटेगा फिर उन, हैं गठिया करना गठिया पेड़। तो इस वजह से सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाने का काम, ठीक है साहब। 200 पौधों पर रहेगा एक मनरेगा कर्मी, शमशान ग्रहों में भी लगाएंगे पौधे, यानी कि मुसाणा में भी पौधा लगाऊंगा अब तो। हाँ, अब तो सरकार मान लो दमादम पौधा लगवाओगी। और सभी से यह गुजारिश है, आप भी अपने अपने घरों में लगा देना, निस्वार्थ भाव से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में भी लगाए जाएंगे, हॉस्पिटलों में लगाए जाएंगे, पार्कों में, गार्डनों में, जो भी मंदिर, जो भी है मंदिर वगैरह की भूमि है, गोचर भूमि है, वहां पर सभी जगह पर पौधे लगाए जाएंगे। इसलिए आप भी अपना हिस्सा लेना और पौधे लगाना, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां नहीं लगना है तो अपनी मर्जी से आप पौधे लगा दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है साहब। आगे बात करें, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी, मशाल निकाली जाएगी, जुलूस निकाले जाएंगे, नवाचार किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने दिए आदेश। इसकी योग्यता अनपढ़ से ग्रेजुएट, वेतन 7000। अब वेतन का तो आप सब समझते हो भाई, जो वेतन नरेगा में मिलता है एक श्रमिक को, वही वेतन आपको यहां पर मिलेगा। और 200 पौधों की देखरेख करनी है, पानी डालना है, ये काम रहेगा आपका, और कोई काम नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को 200 पौधे दिए जाएंगे कि भाई जिन पौधों की आपको सुरक्षा करनी है, इनकी देखरेख करनी है, जब तक ये बड़े ना हो जाएं तब तक आपकी ड्यूटी लगी रहेगी साथियों, ठीक है जी। तो ये थी इसमें पूरी जानकारी जिसमें महिला और पुरुष दोनों हिस्सा ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा भाई, आपको अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाना है और नरेगा में ही लगना है। नरेगा में जैसे लगोगे तो फिर उसमें ये काम भी आने वाला है, फिर ये काम दिया जाएगा आप सभी को। बड्डे खोदने के लिए अब तो अपने को ये काम मिलता है, बड्डे खोदते हैं, फिर उस समय पौधे लगाने का काम मिल जाएगा। इसलिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, सीधा ग्राम पंचायत या अपनी नगर पालिका में जाना है, वहां पर आपका जॉब कार्ड बनाया जाएगा और जॉब कार्ड बना करके आपको मनरेगा के तहत में लगाया जाएगा। और जैसे ही आप मनरेगा के तहत लगोगे तब ये आपको काम मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से भर्ती नहीं है कि साहब कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई अलग से भर्ती निकलेगी, ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा साथियों। मैं तो देखो साफ बता दूं थन बात, नरेगा में लागो जाके सीधा, ठीक है जी। तो ये है इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।